जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग को एक नया लेसन स्टार्ट करना है और आज का जो लेसन है वो है हमारा कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। इसको कॉस्ट सेंटर भी बोलते हैं या फिर इसको प्रॉफिट सेंटर भी बोलते हैं, और उसको किस तरह से मैनेज करना है वह आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। बस में आ रहा ना, कॉस्ट सेंटर का मैनेजमेंट और प्रॉफिट सेंटर का मैनेजमेंट, ये चीज हम लोगों को आज की डेट में सीखना है। देखिए, जैसे मान लो कि हमारी कंपनी है कोई और हमारी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक। और हमारी कंपनी में हर महीने जो पेपर का खर्चा होता है प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए, उसका टोटल खर्चा होता है 10,000 रुपये। एज्यूम करिए हमारे यहाँ हर महीने 10,000 रुपये का खर्चा होता है। बस में आ रहा ना, अब हमें क्या करना है, अब इस 10,000 का डिटेल रिपोर्ट निकालना है कि इस 10,000 का जो खर्चा हो रहा है उसमें कितना खर्चा परचेज डिपार्टमेंट में हो रहा है, उसमें कितना खर्चा है जो सेल्स डिपार्टमेंट में हो रहा है, कितना खर्चा है जो हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट कर रहा है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट हमारा ज्यादा खर्चा कर रहा है। जिस डिपार्टमेंट में ये खर्च ज्यादा होगा उस डिपार्टमेंट से बात करके इस खर्चे को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। यही इस लेसन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल खर्चा हमारा ज्यादा खर्चा परचेज डिपार्टमेंट में हो रहा है कि सेल्स में हो रहा है कि अकाउंट्स में हो रहा है, तब तक हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले जरूरी हमको ये पता करना कि हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है उसका डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस हम कर सके कि हमारे किस डिपार्टमेंट में किस चीज का कितना खर्चा आ रहा है। बस में आ रहा ना, और जब हमको डिपार्टमेंट के बारे में कंफर्मेशन हो जाएगा तो उस डिपार्टमेंट से बात करके उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते। देखो दे रखा है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज क्रूशियल टू कीप द ट्रैक ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड एंड द प्रॉफिट अर्न बाई ईच डिपार्टमेंट। यानी हर डिपार्टमेंट में यह काम बड़ा क्रूशियल होता है, बड़ा कठिन होता है कि हम यह ट्रैक कर पाए कि हमने कितना एक्सपेंस किया या कितना प्रॉफिट कमाया। इसको ट्रैक करने बहुत दिक्कत होती है। द ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट डिटेल। यानी हम एक्सपेंस का अगर हम ट्रैकिंग करेंगे तो हम उसके डिटेल्स को जान पाएंगे। क्या डिटेल जान पाएंगे, विच डिपार्टमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट, कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, और विच डिपार्टमेंट इज इनकरिंग मोर एक्सपेंस, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। हम दोनों को ट्रैक कर पाएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो अधिक से अधिक खर्चा कर रहा है। बात समझ आ रहा ना, ये दोनों चीजों को हम ट्रैक कर पाएंगे और उसका डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कंपनी वाइज या इंडिविजुअल पर्सन वाइज हम रिपोर्ट निकाल पाएंगे जिससे हम ये एनालाइज कर पाए कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट कम कमा रहा है, लॉस ज्यादा कर रहा है, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट हमें ज्यादा अच्छा दे रहा है, ये हम चेक कर पाएंगे। तो अब इसके लिए हमें दो चीज समझना पड़ेगा। पहला चीज समझना है कॉस्ट सेंटर और दूसरी चीज समझनी है कॉस्ट कैटेगरी। देखिए दे रखा है, एक कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जैसे हमारी कंपनी में जो लोग परचेज डिपार्टमेंट है वो हमारा क्या है, एक प्रकार का कॉस्ट सेंटर है। जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो भी एक प्रकार का क्या है, कॉस्ट सेंटर है। ये सब हमारे क्या है, कॉस्ट सेंटर। शांत रहिए, देखिए लिखा है एक कॉस्ट सेंटर इज एनी यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई यूनिट हो सकता है, जैसे उसका कोई डिपार्टमेंट हो सकता है,
जैसे परचेज का डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन्हीं को हम बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। इन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट सेंटर। व्हेन ओनली कॉस्ट आर एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू दीज यूनिट, दे आर रिफर टू कॉस्ट सेंटर। व्हेन प्रॉफिट आर एलोकेटेड टू दीज यूनिट, दे बिकम प्रॉफिट सेंटर। जब इसके प्रॉफिट को एलोकेट करेंगे तो ये प्रॉफिट सेंटर बन जाएंगे, और जब हम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तो ये कॉस्ट सेंटर बन जाएंगे। जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि परचेज डिपार्टमेंट में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, उस कंडीशन हम उसको प्रॉफिट सेंटर बोलेंगे, और जब हम एक्सपेंस या लॉस को कंट्रोल करेंगे तो वहां पर हम बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। फिर दे रखा है, टेली प्राइम कॉस्ट सेंटर अलाउ ए डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है। टेली प्राइम गिव्स यू द कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप ऑफ ईच ट्रांजेक्शन एज वेल एज डिटेल द ट्रांजेक्शन फॉर ईच कॉस्ट सेंटर एंड ऑल्सो इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर ए पर्टिकुलर यूनिट, प्रोडक्ट, इंडिविजुअल इज अंडर गोइंग लॉस आर अर्निंग प्रॉफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो इंडिविजुअल पर्सन है वो हमारे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस दे रहे हैं, इस चीज को निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ए कंपनी देयर आर टू डिपार्टमेंट। अगर किसी कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, हु विल बी फील्ड टू कैरी अप देयर वर्क लाइक सीनियर टेक्निकल टीम एंड सीनियर सेल्स टीम। हमारी कंपनी में दो डिपार्टमेंट है, एक सीनियर टेक्निकल टीम है और एक सीनियर हमारी सेल्स टीम। दीज टीम्स आर इन कर्नाटका लोकेशन एज वेल एज इन दिल्ली लोकेशन। ये टीम हमारी दोनों जगहों पर है, कर्नाटका लोकेशन में भी है और दिल्ली लोकेशन में भी है। कंपनी विल बी इनकरिंग द ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस। कंपनी क्या करती है? ट्रेवलिंग और फूड का एक्सपेंस बियर करती है। इट विल जनरेट द सेल्स रेवेन्यू, जिससे वहां सेल्स का रेवेन्यू जनरेट होता है ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस। इफ द कंपनी वॉन्ट टू नो हाउ द ट्रेवलिंग वेयर एंड फूड एक्सपेंस स्पेंट, यानी कंपनी अगर ये जानना चाहती है कि कितना ट्रेवलिंग का और कितना फूड का खर्चा हुआ, बाई विच टीम, किस टीम के द्वारा, एंड द रेवेन्यू वाज जनरेटेड, और किस टीम के द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया गया। दीज डिटेल कैन बीजली ट्रैक बाई यूजिंग कॉस्ट सेंटर फीचर इन टेली प्राइम। अगर हमें ये पता करना हो कि किस टीम के द्वारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना खर्चा किया गया हो, तो उसको हम कॉस्ट सेंटर के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर दे रखा है फ्यू एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर कुछ एग्जाम्पल, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारा होता है, मार्केटिंग का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, ये सब हमारे क्या हो गए? कॉस्ट सेंटर हो गए। हम इसको प्रोडक्ट वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में हमारा कितना खर्चा हो रहा है और किस प्रोडक्ट की वजह से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो वहां उसको जैसे हम एलजी वाशिंग मशीन, सैमसंग वाशिंग मशीन की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से भी कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि प्रकाश ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और प्रकाश ने कितना एक्सपेंस किया, ये दोनों चीजों को हम जज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी प्रकाश की वजह से हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है और प्रकाश की वजह से हमारी कंपनी में कितना खर्चा हो रहा है। अब है कॉस्ट कैटेगरी। अब देखो, कॉस्ट कैटेगरी आर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम टू पैरेलल सेट ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी फैसिलिटेट थर्ड डायमेंशनल रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। ये खर्चों, आय और व्यय का थर्ड डायमेंशनल एनालिसिस करता है। एंड कॉस्ट कैटेगरी आर दी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एनी कॉस्ट सेंटर। और कॉस्ट कैटेगरी किसी भी कॉस्ट सेंटर से क्या होता है? अलग होता है। हेंस ईच कॉस्ट सेंटर कैन हैव ए पर्टिकुलर कैटेगरी। इसलिए हर कॉस्ट सेंटर की क्या होती है? विशेष कैटेगरी होती है। फॉर एग्जाम्पल
एक कंपनी है, डिफरेंट ब्रांचेज, लाइक वन ब्रांच इन कर्नाटका एंड अदर ब्रांच इन दिल्ली, एंड द कंपनी वांट टू नो ब्रांच वाइज रेवेन्यू जनरेशन एंड एक्सपेंस इनकर्ड डिटेल्स। और कंपनी ये जानना चाहती है कि ब्रांच वाइज हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और ब्रांच वाइज हमारा कितना खर्चा हो रहा है, एंड आल्सो ट्रैक कॉस्ट इनकर्ड बाई द एम्प्लॉई ऑफ द डिपार्टमेंट। दिस कैन बी अचीव फ्रॉम कॉस्ट कैटेगरी। इसको हम किससे पता कर सकते हैं? कॉस्ट कैटेगरी की माध्यम से। तो हम कॉस्ट कैटेगरी को रीजन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉई वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। अब इट इज नॉट नेसेसरी टू क्रिएट कॉस्ट कैटेगरी, इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज डिफॉल्ट कॉस्ट कैटेगरी बाय नेम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। कोई जरूरी नहीं कि कॉस्ट कैटेगरी हम बनाएं, लेकिन अगर हम हमें जरूरत नहीं है तो हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी का जो बना है डिफॉल्ट रूप से उसको भी यूज कर सकते हैं। हमारे कुछ कॉस्ट सेंटर बने हैं, जैसे सेल्स टीम है और टेक्निकल टीम है, और उनके सब कॉस्ट सेंटर हैं महेंद्र और जितेंद्र। दो एम्प्लॉई हैं जो सेल्स टीम में काम करते हैं, और प्रकाश और शेखर, ये दो एम्प्लॉई हैं जो हमारे टेक्निकल टीम में काम करते हैं। श्रीदेवी इंटरनेशनल है डिफरेंट आइटम लाइक सेल्स एंड टेक्निकल टीम, एंड दे हैव टू सेल्स एग्जीक्यूटिव, महेंद्र एंड जितेंद्र, वर्किंग इन सेल्स टीम एंड एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन टेक्निकल टीम। नाउ द कंपनी वांट टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ दीज फोर सेल्स एग्जीक्यूटिव हु आर वर्किंग डिफरेंट डिफरेंट टीम्स। यानी कंपनी क्या चाहती है? कंपनी ये चाहती है कि जितने भी उसके चार सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं जो अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करें। तो किसी टीम की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक की जाती है? किसी टीम की परफॉर्मेंस हम इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, उस टीम से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है और वो टीम कितना एक्सपेंस कर रही है। अगर उसका एक्सपेंस कम है और प्रॉफिट ज्यादा है तो टीम हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है ना, वो टीम हमारे लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। और अगर उस टीम का प्रॉफिट कम है और एक्सपेंस ज्यादा है तो वो टीम हमारे लिए क्या है? लॉस वाली टीम है। दीज टीम्स जनरेट सम एक्सपेंस एंड इनकम फ्रॉम डिफरेंट लेवल, एंड नाउ द कंपनी वांट टू नो नो टीम वाइज रेवेन्यू जनरेट एंड एक्सपेंस इनकर्ड डिटेल, एंड वांट टू जनरेट व्यू एंड एनालाइज द रिपोर्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम एक्सपेंस जनरेट, विच विल हेल्प टू डेवलप द कंट्रोल द फाइनेंस। इसकी मदद से हम फाइनेंस को कंट्रोल करने में क्या करेंगे? मदद मिलेगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है, सबसे पहला काम करना है। एक्टिवेशन कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर को यूज करना। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, अल्ट के से कंपनी फीचर्स में जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद आपको इनेबल कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को करना है यस, ठीक। और यहाँ पे कंपनी फीचर अल्टरेशन की स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगी। तो चलिए हम आ गए अपने टैली सॉफ्टवेयर पर। हम सेलेक्ट कर लेंगे अपनी कंपनी को, और कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें जाना है कंपनी फीचर्स में, और शो मोर फीचर्स के बाद हमें जाना है इनेबल कॉस्ट सेंटर। तो कंपनी फीचर्स में जाने के लिए तो हम ये F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ इनेबल कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये दिख रहा है ना? इसे हम करेंगे यस। तो अगर सो मोर फीचर आपका नो होगा, सो मोर फीचर को अगर हम नो करेंगे, यहाँ कॉस्ट सेंटर हमें दिखाई नहीं देगा। अगर कॉस्ट सेंटर हमें देखना है तो
हमें शो मोर फीचर के ऑप्शन को करना होगा यस, और यस आने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर से थर्ड नंबर पे दे रखा है इनेबल पावर सेंटर, इसे कंट्रोल ए से हम करेंगे एक्सेप्ट। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमें कॉस सेंटर क्रिएट करना है, तो हमें सबसे पहले दो कॉस सेंटर बनाना है, एक सेल्स टीम के नाम से, दूसरा बनाना है टेक्निकल टीम के नाम से। अब बनेगा कैसे, गेटवे टैली पर जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, अकाउंटिंग मास्टर के भीतर हमें मिलेगा कॉस सेंटर, और कॉस सेंटर का नाम दे देंगे सेल्स टीम, इसका ग्रुप हो जाएगा सेल्स टीम और ये हो जाएगा प्राइमरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्रिएट पे आएंगे और क्रिएट पे आने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा कॉस सेंटर का, और कॉस सेंटर पे आने के बाद हमारा कॉस सेंटर जो बनेगा वो है सेल्स टीम के नाम से। सेल्स टीम, और दूसरा हमारा बनेगा टेक्निकल टीम। सेल्स टीम हो गया और हमारा क्या हो गया, टेक्निकल टीम हो गया। अब हमें महेंद्र, जितेंद्र, प्रकाश और शेखर के नाम से एम्प्लॉय क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहला हो गया हमारा महेंद्र और ये जाएगा सेल्स टीम में। तो हम क्या करेंगे, हम महेंद्र के नाम से कॉल सेंटर बनाएंगे और इसको कहाँ रख देंगे, सेल्स टीम में। दूसरा हमारा जितेंद्र, ये भी होगा सेल्स टीम में, ये हो जाएगा सेल्स, सॉरी यहाँ पे हम बनाएंगे जितेंद्र के नाम से, और जितेंद्र को हम रखेंगे किसमें, सेल्स टीम। तीसरा हमारा प्रकाश है और शेखर है, तो प्रकाश प्रकाश किसमें जाएगा, टेक्निकल टीम। शेखर किस में जाएगा, टेक्निकल टीम। हो जाएगा। अब है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम यूजिंग कॉस्ट सेंटर, इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू एलोकेट द एक्सपेंस एंड इनकम टू दियर रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर। आप सबसे पहले देखो, जरा फॉर दी मंथ ऑफ अक्टूबर श्रीदेवी इंटरनेशनल पेड रुपीज 2 लाख, श्रीदेवी इंटरनेशनल ने 2 लाख रुपए पे किया टुवार्ड्स ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस, ट्रेवलिंग और फूड के लिए, आउट ऑफ विच ₹60,000 इज एलोकेटेड टू महेंद्र, ₹60,000 टू जितेंद्र, ₹40,000 टू प्रकाश, रिमेनिंग ₹40,000 एलोकेटेड टू शेखर। हेंस कॉस्ट सेंटर आर महेंद्र, जितेंद्र, प्रकाश एंड शेखर, लेट अस नाउ रिफर द गिवन बिलो गिवन इंस्ट्रक्शन। अब इस तरह से हमें करना है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंस को क्या करना है, एलोकेट करना है। तो हमें आ जाएंगे, हमें सबसे पहले क्रिएट करना है अकाउंटिंग मास्टर, एक लेजर हम बना लेंगे ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस के नाम से, हम इसको करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम लेजर बना लेंगे, क्रिएट पे आएंगे और लेजर पे आएंगे, क्या हुआ।
तो हमें ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस का लेजर बनाना है, और बनाते समय कॉन्फिगर में जाना है और अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर के ऑप्शन को कर देना है यस। ठीक है, तो हमें सबसे पहला लेजर बनाना है ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस, हमने बनाया, और ये हमारी कंपनी के लिए एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और इसको बनाते समय में जाना है कॉन्फिगर में, और कॉन्फिगर में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर को कर देना है यस। यहाँ पे हमें अप्लाई, ये अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर को कर देना है यस। और जिन जिन फीचर्स की जरूरत नहीं उसे हम बंद भी कर सकते हैं, जैसे एडिशनल कॉस्ट वाला हमें बंद कर देना है, इसे हमने कर दिया यहाँ से नो। तो टाइप ऑफ लेजर पूछा जाएगा, यहाँ करेंगे नॉट अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर आर अप्लीकेबल, इसे कर देंगे यस, और यस करने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। हो जाएगा ना? फिर अगला हमें बनाना है टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से, और इसे हमें रखना है इनकम साइड में, टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। इसमें कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को करेंगे हम यस। चलिए अब एंट्री करना है, अब सीधे हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, और पेमेंट वाउचर में जाने के बाद हमें अकाउंट सेलेक्ट कर लेना कोटक बैंक का, और हमें ट्रेवलिंग और फूड की एंट्री करनी है, कितना 2 लाख रुपए। फिर उसको एलोकेट करना है सबके में बराबर बराबर, 60,000 रुपये महेंद्र का, 60 जितेंद्र का, 40 प्रकाश का, 40 शेखर। देखो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है ये, ठीक है, तो चूंकि ये हम पैसा दे रहे हैं इसलिए पेमेंट वाउचर का यूज करेंगे। हम आ जाएंगे स्केप से वापस, वापस आने के बाद वाउचर में आ गए, और वाउचर में आने के बाद हम पेमेंट वाउचर में आ गए, और यहाँ चेंज मोड में जाएंगे हम, और इसको कर लेंगे सिंगल एंट्री मोड में। ये सारा पेमेंट हम कोटक बैंक से कर रहे हैं, इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे कोटक बैंक, और यहाँ पे हम एक एक पहले सबसे पहले लेजर सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे ट्रेवलिंग एंड फूड एक्सपेंस, टोटल कितना 2 लाख रुपए। ठीक है, अब पूछ रहा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, अब इसको डिवाइड करना है, महेंद्र का 60,000 और जितेंद्र का 60, हमने सेलेक्ट कर लिया महेंद्र 60,000, जितेंद्र 60,000, फिर प्रकाश 40,000 और शेखर 40,000। हो जाएगा, इसको कर लेंगे हम यहाँ से एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें 3 लाख रुपए रेवेन्यू मिल रहा है, तो प्रकाश का रेवेन्यू है 270 और शेखर का कितना है 30, लेकिन इससे पहले देखे कोई रिपोर्ट वगैरह तो नहीं इसमें चेक करने के लिए। हाँ रिपोर्ट है, आपको गो टू पे जाना है और कॉस्ट कैटेगरी समरी पे जाना है, तो हम अल्ट जी से गो टू पर आए गए और यहाँ सर्च कर लिए कॉस्ट कैटेगरी समरी, हम यहां से आ जाएंगे गो टू पर, तो हम आ जाएंगे सीधे अल्ट जी से गो टू पर, और गो टू पर आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे कॉस्ट कैटेगरी समरी ये, और जैसे यहाँ पे आएंगे ये हमको कुछ इस तरीके से डिवाइड करके दिखाएगा, दे रखा है ना?
तो यहाँ सबका अलग अलग हमको पता चल जाएगा। लिखा ऑब्जर्व द कॉस्ट कैटेगरी समरी रिपोर्ट डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एलोकेटेड अमाउंट विथ क्लोजिंग बैलेंस एंड इट हैविंग डेबिट बैलेंस। इट मीन इट इज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कॉस्ट टू द कंपनी एंड ऑल्सो वी विल गेटिंग द टोटल अमाउंट एलोकेशन एज पर टीम वाइज। द अमाउंट एलोकेटेड टू सेल्स टीम 1,20,000 एंड टेक्निकल टीम 80,000। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए तो ये हमको बता रहा है कि हमारा टोटल खर्चा कितना हो रहा है, 2 लाख रुपए, जिसमें सेल्स टीम पर जो खर्चा हुआ है 1,20,000 का हुआ है और टेक्निकल टीम पर जो खर्चा हुआ है वो 80,000 का खर्चा है। और चूंकि यह सबका नेचर क्या है, डेबिट में दे रखा है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्च है, ठीक है, एक्सपेंस है, खर्च है। और ये देखो टीम वाइज अलग अलग बता रहा है, देखो यहाँ दोनों बता रहा है, ये बता रहा है सेल्स टीम में आपका 1,20,000 खर्चा हुआ और टेक्निकल टीम में आपका 80,000 रुपये खर्च हुआ। अब टेक्निकल में कौन कितना खर्चा किया उसका भी विवरण ये अलग अलग बता रहा है। ये रिपोर्ट हमको कहाँ मिला, ये रिपोर्ट मिला कॉस्ट कैटेगरी समरीज। अब उसके बाद रिसिप्ट वाउचर में जाना है और 3 लाख रुपए इनकम वाला आपको करना है रिसिप्ट। तो हम आ गए स्केप से वापस, और वापस आने के बाद हम यहाँ से वाउचर में आ जाएंगे और F6 से हम आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। और यहाँ पे जो टेक्निकल टीम से हमको मिल रहा है वो 3 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है, इसका एलोकेशन किया गया कि नहीं। क्वेश्चन में देखिए इसका दे रखा हो, हाँ दे रखा है, हमें टोटल रेवेन्यू मिल रहा है 3 लाख, जिसमें प्रकाश से मिल रहा है 270 और शेखर से मिल रहा है 30,000 रुपये। और ये पैसा हमारा आ रहा है कोटक बैंक में, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कोटक बैंक और हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अमाउंट भर देंगे 3 लाख रुपये, ठीक है। अब हमें क्या सेलेक्ट कर लेना लेजर, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे प्रकाश, प्रकाश से कितना मिला है 270, और दूसरा जो हमारा है वो हमारा शेखर, शेखर से कितना मिला है 30,000, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। इतना करने के बाद हम दोबारा कॉस्ट कैटेगरी समरी चेक करेंगे, ये देखो एंट्री हो गई, और एंट्री होने के बाद अब दोबारा हमें फिर कॉस्ट कैटेगरी समरी चेक करना है। अब ध्यान से देखिए, हम गो टू पर आ गए और हमें सर्च कर लिए कॉस्ट कैटेगरी समरी, और जैसे यहाँ पे आएंगे यहाँ हमको रिपोर्ट बताएगा, देखो ध्यान से सबसे नीचे दे रखा शेखर, शेखर का कहानी समझो, ठीक, देखो शेखर का कहानी ये है कि शेखर ने खर्चा किया है 40,000 रुपए का और इनकम दिया है 20,000 रुपए का, इसलिए शेखर की वजह से 10,000 रुपए का लॉस हुआ है डेबिट साइड में। लेकर प्रकाश, प्रकाश ने 40 खर्चा किया है और 270 का प्रॉफिट दिया है, इसकी प्रकाश की वजह से प्रॉफिट हो रहा है 2,30,000 रुपए, इसलिए इनकम का खाता में सब क्रेडिट में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है क्रेडिट। अच्छा टेक्निकल टीम का पूरा परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो टेक्निकल टीम ने खर्चा किया 80,000 रुपए का और तो कमा के दिया कितना 3 लाख रुपए का, यानी मतलब पूरे टीम का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि पूरी टीम की वजह से हमें 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बस में आ रहा ना, इंडिविजुअल भी अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं, पूरी टीम का परफॉर्मेंस देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, बस में। अब पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस अगर देख रही है तो पूरी कंपनी ने 2 लाख रुपए खर्चा किया है और 3 लाख रुपए कमाया है, यानी पूरी कंपनी को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सेल्स टीम ने 1,20,000 का खर्चा किया लेकिन इनकम कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सेल्स टीम की वजह से हमारा 1,20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। हमारा देखो प्रकाश और जितेंद्र और महेंद्र दोनों ने 60,000 रुपए खर्चा किया है और कोई प्रॉफिट कमा के नहीं दिया है, इसलिए दोनों की वजह से 60,000 रुपए का लॉस हो रहा है। इसे बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, इसे क्या बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस।
अगर हमारी कंपनी में लॉस हो रहा है तो किन किन बंदों की वजह से कितना कितना लॉस हो रहा है, या किस डिपार्टमेंट की वजह से टोटल कितना लॉस हो रहा है, इसका एनालिसिस करके बताते हैं। बस सुना है ना, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जहां पर हम ये ट्रैक कर पाते हैं कि जो प्रॉफिट हमारा हुआ है वो किस डिपार्टमेंट के किस पर्सन की वजह से कितना हुआ, उसका डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट भी निकाल लेते हैं। तो आज यहाँ तक एंट्री हो जाएगी आप लोग का, तो आज यहाँ तक आप लोग एंट्री करिए, कल ये सेल्स वाला ट्रांजेक्शन आपको हम यहाँ से बताएंगे।